परचेज बस टिकट आफ्टर पासिंग द इमिग्रेशन एंड कस्टम। ये शुभाई के लिए लोग जा रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपको चाइना एंटर करना है तो आप ये कूद के भी कर सकते हो, आपको बस ये क्रॉस करना है और इसके बाद आप सीधा चाइना वाली बस में बैठ जाओगे। व्यू जितना भी है ना, ये मेरे होटल से ही है, ये पीछे मेरा होटल बना हुआ आपने देखा ही था, और ये पूरी एक के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सब कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू डूइंग वेल गाइस। आज आपने थंबनेल में देख के पता लगा लिया है कि मैं हांगकांग से मकाऊ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हांगकांग से मकाऊ ट्रैवल करने के वे क्या हैं, कैसे जा सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ में ऑफकोर्स मैं आपको बताऊँगा कि मकाऊ में आप क्या क्या कर सकते हो। हालांकि वेदर बहुत ख़राब है, मैंने कल भी ट्राई किया था मकाऊ जाने का बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। हाँ, तो अब आगे का कुछ प्रोसेस इस तरह का है कि अभी मैं फ़िलहाल हूँ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हमें अराइवल से नीचे एक फ्लोर और जाना होता है जहाँ से हमें बसेज वगैरह मिलती हैं। मुझे लेनी है B4 बस, आपको ब्रिज पे पहुँचा देगी, उस ब्रिज से आप मकाओ ट्रैवल कर सकते हैं। एंड दिस इज B4 और ये हमारा पोर्ट है। एंड बस आपको कुछ यहाँ उतार देगी और फिर आपके सामने होगा ठीक मकाऊ का एंट्री, मकाऊ की एंट्री एज इन लाइक क्लियरेंस की एंट्री। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ क्या स्टेप्स होते हैं, लुक एट दिस। इसके बाद आप अंदर आ जाते हैं, इट्स सेम लाइक एयरपोर्ट, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बना हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने भूल गया, ये देखो ये लिखा है परचेज बस टिकट आफ्टर पासिंग द इमिग्रेशन एंड कस्टम। तो अंदर जाके हमें बस टिकट मिलेगी, हम यहाँ से नहीं खरीद सकते। स्मार्ट डिपार्चर हांगकांग विजिटर्स, तो हमें इस लाइन में लगना है विजिटर। अब ऑफकोर्स सबको पता है कि मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, अलाउड नहीं होता है यहाँ पे, तो क्विकली कैमरा बंद करते हैं और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, बाकी सब बताऊँगा। तो आपसे कुछ खास तो क्वेश्चन करते नहीं है इमिग्रेशन वाले, लेकिन आपको एक छोटी सी स्लिप मिली होगी हांगकांग एंटर करते टाइम, वो स्लिप को बहुत ध्यान से रखना क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो स्लिप नहीं होगी तो बहुत लंबा गेम हो जाएगा, तो बेटर वो स्लिप संभाल के रखना। और आपका इमिग्रेशन कार्ड, वो भी आपने खुद ही जो फिल किया था, मैंने हांगकांग की वीडियो में आपको दिखाया होगा, बस इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप इजीली जा सकते हो। अब क्विकली बस बुक करनी पड़ेगी, कस्टम क्लियर कर रहा हूँ, कस्टम में तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास है ही क्या ऐसा। तो टिकट कॉस्ट करी है मुझे 65 हांगकांग डॉलर की, मतलब कि 650 हांगकांग रुपए, और कुछ इस तरह की आपको टिकट मिल जाएगी। अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद अगर आप जुहाई जा रहे हो तो आपको लेफ्ट जाना है, और अगर मकाओ जा रहे हो तो आपको राइट जाना है, विच इज़ नंबर 2। ये वाली जो लाइन लगी हुई है ये मकाओ के लिए लगी हुई है, आगे बस पे लिखा भी हुआ है, और ये वाली जुहाई के लिए, और ये जुहाई के लिए लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको चाइना एंटर करना है तो आप ये कूद के भी कर सकते हो, आपको बस ये क्रॉस करना है और इसके बाद आप सीधा चाइना वाली बस में बैठ जाओगे। जी हाँ, तो फाइनली वी आर इन अ बस, और जहाँ तक मुझे लगता है 30-40 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में जितना मैंने चेक किया था, और एक बार पहुँच जाते हैं फटाफट और बढ़िया से होटल में चेक इन करते हैं और फिर घूमते हैं, देखते हैं मकाऊ को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेदर ने बैंड बजाई हुई है लेकिन हम भी कम नहीं है।
फाइनली वी डीबोर्डेड द बस. हवा इतनी तेज चल रही है, मेरे बालों का हाल आपको देख के पता चल ही गया होगा. बैग लेके बारिश में धक्के खा रहा हूँ मैं. और अब हम आ गए हैं वापस टर्मिनल के अंदर. ओके, वेलकम टू मकाओ ऑफिशियली. और अब मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा हुआ हूँ. जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जब दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं तब लगते हैं. एक बार ये क्रॉस कर लें फिर आपको दिखाते, नहीं तो ये बोलेंगे यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है. जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और वेलकम होगा आपका मकाओ में, आपको जाना होगा रो नंबर सी की तरफ. और वहाँ से आपको शटल मिल जाएगी. ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको. अरे ये देखिए, ये मकाओ फेरी के लिए रास्ता है. और ये होटल्स जहाँ पे फ्री सर्विस मिलती है, ये मेरा होटल रहा. और यहाँ से निकलते हैं अंदर. इतनी लंबी लाइन है जिसमें लगेंगे, बसेस आएंगी, हमें मिलेगी, फिर हम होटल पहुँचेंगे. एंड फाइनली आई एम इन माई होटल विद दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. ये देखो पीछे आईफिल टावर. This is amazing. बहुत मतलब आते ही ना मैं इतना tiring feel कर रहा था, लेकिन इसको देखते ही चेहरे पे smile आ गई. मैं आपको अपना hotel दिखाता हूँ. It's far. It's like amazing. सो फाइनली वी आर ऑन आर फ्लोर. ये बाहर का व्यू दिख रहा है, ये मेरा रूम. लेट मी क्विकली शो यू. अंदर घुसते जी हाँ, तो दैट्स हाउ माई ब्यूटिफुल रूम इज. और बस इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं. बहुत मज़ा आया यहाँ तक पहुँचने में. बहुत चीज़ें सीखने को मिली मुझे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब आप चेंज करते हो, या फिर आप कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कैसे किया जाए, कैसे इमिग्रेशन बॉर्डर क्रॉस किया हमने बाय रोड. बहुत मज़ा आया. अभी फ़िलहाल तो मैंने रूम में चेक इन करते ही अपना रेडी टू ईट बनाने के लिए रख दिया है. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, मैं रेडी टू ईट कैरी करता हूँ अपने बैग्स में. राजमा चावल कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे रेडी टू ईट कैरी करो और इनको बनने के लिए रख दो. अभी जैसे ही बन जाएंगे फटाफट खाएंगे और उसके बाद घूमने के लिए निकलेंगे. तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो मकाओ में क्या क्या कर सकते हो उसके ऊपर है. चलो ऑन दिस नोट वीडियो को यहीं एंड करते हैं. आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप ट्रैवलिंग गाइस. ये रियल गोल्ड की ब्रेक्स हैं बट डायमंड्स साथ में रखे हुए. सो वी बॉट दिस.